आतंकवाद के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यूएन की महासभा में कश्मीर मुद्दे पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान भी बातचीत के लिए गंभीर हो। गौरतलब है कि पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ ने शुक्रवार को यूएन की महासभा में कश्मीर राग अलापते हुए कहा था कि कश्मीर मुद्दा का समाधान जरूरी है। साथ ही कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। नवाज के यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर मोदी ने जवाब दिया कि यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसका समाधान बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत के लिए पाकिस्तान को गंभीरता दिखानी होगी। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले चार दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत को तैयार हैं, पर पहले आतंकवाद का रास्ता छोड़े पाक, तभी बातचीत संभव। आतंकवाद की पाश्विकता पूर्ण। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।